पिछले कुछ महीने से यहाँ पर वंदे भारत एक्सप्रेस को लेकर तो एक के ऊपर एक काफी अच्छी अच्छी खबर निकल कर आ रही है, और अब तो एक काफी अमेजिंग खबर निकल कर आ चुकी है। दरअसल अब हाल ही में यहाँ पर भारतीय रेलवे ने एक काफी मैसिव टेंडर फ्लोट कर डाला है 24,000 करोड़ रुपीज का। इतना ये बड़ा टेंडर है और इसके तहत 2,000 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को प्रोक्योर किया जाएगा। लेकिन अब ये हमारी नॉर्मल वंदे भारत नहीं है, इसमें स्लीपर फैसिलिटीज होंगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है, ये ओवरनाइट जर्नी के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है। इस तरह के कोचेस इसमें लगाए जाएंगे और ये सब खुद एक सीनियर रेलवे मिनिस्ट्री के ऑफिशियल ने कंफर्म किया है। उन्होंने ये भी बताया है कि ये जो बिडिंग डॉक्यूमेंट है 200 वंदे भारत एक्सप्रेस का, तो इसमें ऑलमोस्ट लगभग 3,200 कोचेस होंगे। और ये जो ओवरनाइट वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है, इसे कहा जा रहा है वर्जन 3 वंदे भारत एक्सप्रेस। अभी इस ट्रेन की खास बात यह है कि इसमें 16 कोचेस होंगे एज यूजुअल, और अभी फिलहाल इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट लगाई गई है 120 करोड़ की। पहले जो हमने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन बनाई थी, हमारी पहली वंदे भारत की कॉस्ट पड़ी थी 97 करोड़ की, लेकिन इसमें काफ़ी सारे फिर हमने चेंजेस किए इनकी बोगीज में, इनके डिजाइंस में, ताकि इसका वेट और ज़्यादा हल्का किया जा सके, लाइट वेट किया जा सके। फाइनली इसकी कॉस्ट थोड़ी बढ़ चुकी है, बट फिर भी मैं कहूँ ये जो यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्रीज के कॉस्ट की तुलना में काफ़ी ज़्यादा कम है। इसे लाइट वेट डिजाइन को सुनिश्चित करते हुए ये लोग इसमें दोनों ऑप्शन दे सकते हैं, एल्यूमिनियम कोचेस एज वेल एज स्टेनलेस स्टील के हमारे कोचेस, AC1, AC2, AC3 टीयर के, ऐसे सभी क्लास इस 200 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में मौजूद होंगे। और भले ही मान लीजिए अगर हम स्टील की मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो भी जो हमारी पहले की एग्जिस्टिंग वंदे भारत है उससे तो इसका वजन काफ़ी ज़्यादा लाइट होने वाला है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा हेर फेर किए गए हैं डिज़ाइन में, बहुत सारी ऑप्टिमाइजेशन इम्प्रूवमेंट लाया गया है ताकि इसकी बोगी वेट को हम हल्का बना सकें। फिर मोटर में भी यहाँ पर काफ़ी सारे ट्रांसफॉर्मेशन किए गए हैं एक न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए, और ये सब खुद ऑफिशियल ने बयान में कहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अब ये जो वर्जन 3 वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है, मोस्ट प्रॉबली आने वाले समय में ये हमारी राजधानी दुरंतो वाली सर्विसेज को जरा रिप्लेस कर सकती है। करेंटली जो वर्जन 2 की वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है, तो ये ट्रेन शताब्दी, जन शताब्दी, इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन, इन्हें रिप्लेस करेगी। और फाइनली अब तो थर्ड जनरेशन वाली, नेक्स्ट जनरेशन वर्जन 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भी ये लोग ला रहे हैं। ऑलरेडी कपूरथला, चेन्नई, रायबरेली में हमारे प्रोडक्शन यूनिट्स मौजूद है। अब रेलवे ये भी चाह रही है कि हम ज़्यादा तो डिमांड कर ही रहे, तो कैपेसिटी भी उतनी ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए, तो एक ये लोग न्यू बिल्ड फैसिलिटी हमारी जो लातूर में है, यहाँ पर भी इसकी मैन्युफैक्चरिंग, इस तरह के एडवांस ट्रेन सेट्स की मैन्युफैक्चरिंग शुरू करना चाहते हैं। वैसे अब इस वर्जन 3 वाली ओवरनाइट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में आपकी क्या राय है, ज़रूर से कमेंट कीजिएगा।